उन सब के बारे में हम समझा देते हैं। देखिए चाइना क्या करता है, कहीं भी घुस के मछली पकड़ लेता है, किसी दूसरे के देश में जाएगा 2-3 दिन के अंदर पकड़ लेगा। अभी हाल ही में इसने पाकिस्तान में आया है और पाकिस्तान में लंगर डाल के पाकिस्तान 3 साल में जितनी मछली पकड़ता है ना, ये ससुरा 2 दिन में उतना मछली पकड़ के लेके चल गया यहां से ससुरा। और वहां ग्वादर के लोग मुड़ी पीट रहे, लेकिन ये ससुरा बलूचिस्तान वाले लोग हमारा मछली ले गया, अब गरई मछली बचल है, वहां पे खाएगा वो गरई मछली। अब ये इतना 3 साल में जितना लोग नॉर्मल आदमी मछली पकड़ते हैं, ये 2 दिन में कैसे पकड़ लेता है? तो भारत और बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, वहां कुछ भी खा लेते हैं ससुरा, कुत्ता, चमगादड़, कॉकरोच, ऑक्टोपस कुछ भी खा जाते हैं सर। एक तो जनसंख्या ज्यादा है, उसमें से ससुरा दलिद्दर पूरा खा जाते हैं सर। पूरी दुनिया परेशान है चाइनीज शिप से कि ये कहीं भी आते हैं सर 2 दिन में लंगर डालेंगे सब। जब तक आप चाइना एम्बेसी को कॉल कीजिएगा, वहां से ले लीजिएगा, ये 2 दिन में जाल में मारेंगे सर, आप पूरा का पूरा शिप मछली लेके चल जाते हैं सर। पूरी दुनिया परेशान है, भारत में भी 1-2 बार लंगर डाला था सर इसमें मछली पकड़ने के लिए। भारतीय ने भी घींच घींच के भेज दी, जाल रख ली ससुरा, तो ये यहाँ पे मछली मारेगा। देखिए जिस तरह से चीन एग्रेशन दिखाता है, दक्षिणी चीन सागर मेरा है, भारत को भी इसको काउंटर करने के लिए और दुनिया का ध्यान इधर लाने के लिए जो इधर भारत को भी कहना चाहिए कि हिंद महासागर मेरा है, क्योंकि भैया ये भी हमारा हो सकता है। और कोई पूछे किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो कह दीजिए कि खान सर के यहाँ हमारो नक्शा मिला है 100 साल पुराना, जहाँ पे दिखाया गया है हमारा है। वैसे भी समुद्रगुप्त का घोड़ा कहा जाता था, 3 समुद्र का पानी पीता है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और यहाँ अरब सागर। 3 समुद्र के पानी पीने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सुबेरे शाम ही यहाँ का पिएगा, मतलब पहले जमाने में आप वहीं से पानी पी सकते थे जहां आपका अधिकार था। तो हमारे जमाने में लिख लीजिए भैया समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, यहां पर ऐसा लिखा है। इससे क्या होगा कि चाइना हमें कॉम्प्रोमाइज के लिए आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया कहेगी कि देखो भैया चाइना तुम्हारा देखा, देखिए भारत भी बिगड़ गया। और जैसे भारत कहेगा तो चाइना उधर से वो भी चिल्लाने लगेंगे सर। तो फिर चाइना को अपने ऑयल, मछली या फिर गैस का जो जिस पर उसकी नजर जमी है, तो भारत से ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आएगा। रे बकलोल, कहेगा हिंद महासागर में तो ऐसा कोई पेट्रोलियम कोई भंडार नहीं है, काहे लिए झगड़ा ना दरा। तो उस समय उसके बातचीत के टेबल पे आइए कि ससुरा ई गलवान ई लद्दाख वाला देख रहा है ना, या तो तुम इसको रखो या तो तुम इसको गंवा दो, दोनों में से कोई एक रखो। तो उसको हम लोगों ने खुला छूट दे दिया है। धीरे धीरे इस पर कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए शरीफ इंसान को आप शराफत से मंगा सकते हैं, हरामी और कमीने जैसे लोगों को आप शराफत से नहीं मना सकते। क्योंकि अगर लोग बातों से समझ सकते तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया ना कभी महाभारत होने नहीं देते। आई होप आप इसको समझे होंगे कि मैरीटाइम बाउंड्री कितने टाइप की होती है और जो फिश प्रोसेसिंग है ये किस तरह से होता है। आगे की वीडियो में कभी आपको ऑयल ड्रिलिंग समझा देंगे कि ऑयल किस तरह से रिग में लगा के और रिग के माध्यम से ऑयल को ड्रिल करके निकाला जाता है, फिर गैस को किस तरह से निकाला जाता है, इसको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि जो समुद्र का नीतल होता है वहां से कोयले निकालने की प्रोसेस कैसे होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।